Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are here at Nizamuddin today. As you can see behind, this entire area has been cordoned off. Reportedly, there have been around 2,000 people who had visited the Tablighi Jamaat, which was held on the first week of March. And also, you can see there are a couple of buses that are taking away the people. So, sir, aap log subah kitne baje aaye ho yahan pe? Kitne baje se duty kar rahe ho aap log? Subah 1 baje se karte hain. 1 baje se. एक बजे से है आप लोग. अच्छा, आप लोगों को ये गियर कब दिया गया, जब आप लेके जा रहे हैं पैसेंजर्स को? हाँ, जब पैसेंजर आने वाले उससे 10 मिनट पहले पहना देखते हैं. और सैनिटाइजर्स वगैरह भी दिया है आप लोगों को? नहीं दिया, बस ये दिया है, बस यही दिया है, जो भी दिया है, कुछ नहीं दिया, बस ग्लव दिया है, सैनिटाइजर नहीं दिया. नहीं नहीं. आप अभी तक कितने ट्रिप लगा सके चुके हो सर? अभी तो पहली ट्रिप है हमारी. क्या क्या बताया गया है सर, डिटेल में बताएंगे थोड़ा? डिपो जा के सब कुछ निकाल के इनको जड़ा देना है, और सैनिटाइजर आज धो गए हमने, घर जाए ना धो गए अपने गर्म पानी से, तो अंदर जाना. आपके घर में छोटे बच्चे या फिर ओल्ड एज के लोग हैं? हमारे घर में सब है. हाँ, तो आप घर जाके मतलब ये रूल्स वगैरह फॉलो करेंगे उनके लिए? ज़रूर करेंगे. आपको चिंता लग रहा है कि आप? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा चिंता लग गया है. So we are here inside one of the DTC buses that are being used to take these people. Reportedly, these people are being taken to flats in Narela. 4 buses at one time with a police car in front of them. As you can see, the safety measure here to keep the people from the Nizamuddin area away from the driver. This is the safety thread that disconnects or rather detaches the people or probable COVID-19 suspects from coming in contact with the driver and other health officials in the area. मुझे यहाँ 1 बजे भेजा था और मुझे 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, और अभी तक नंबर नहीं आया. और काफ़ी लोग निकल रहे हैं, जो बसों में 30 से 35 बंदों को बैठा बैठा के एक एक बस को निकाला जा रहा है. कितने बसेस हैं अभी यहाँ पर? इस टाइम 20 बसें खड़ी हैं लाइन में, और 15 बसें मेरे सामने जा चुकी हैं, जो 12 बजे से पहले पहले निकल चुकी हैं. 12 बजे के बाद 8 गाड़ियाँ भी निकली हैं और 20 अभी खड़ी हैं लाइन में. नहीं, अभी कुछ नहीं बताया. वो कह रहे जब नंबर आएगा 4 गाड़ियों के साथ एक जिप्सी जाएगी, पुलिस की जिप्सी हमारे साथ साथ जाएगी. एक कहाँ जाएगी ये नहीं बताया? नहीं, अभी नहीं बताया. वैसे कह रहे हैं नरेला में फ्लैटों में रखा जा रहा है. हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान जी श्री केजरीवाल जी ने सफाई कर्मचारियों वालों के लिए और जो है ना ये दिल्ली पुलिस के लिए, डॉक्टरों के लिए 50-50 लाख का बीमा किया है. ये DTC वाले ड्राइवर भी लगे हुए, कच्चे भी पक्के भी, इनके बारे में कुछ सोचा जाए जी? और ये भी अपनी जान पर खेल गए, यहाँ पे आ रहे हैं और इनको ढोने लग रहे हैं कोरोना, जो भी पाए जाए पे, तो इनके बारे में भी कुछ सोचा जाए, इनका भी कुछ किया जाए जी? आप लोग कितने टाइम से ड्यूटी कर रहे हैं इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? हमारी तो आज ही लगाई हुई है, बाकी अलग अलग भेजते हैं ड्राइवरों को. हाँ जी. तो अब तक कितने बसेस जा चुके होंगे? ये तो हमें पता नहीं जी कितनी जा चुकी है. एक बस में कितने कितने लोगों को लेके जा रहे हैं आप लोग? उसमें मेरे ख्याल में 30-33 आदमी जा रहे हैं. और आपको अभी तक कोई किसी ने आपको बताया कि आपको ऐसे प्रिकॉशंस लेना है कोरोना के लिए, या आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होता है? सरकार ने आपको कुछ प्रोटेक्टिव दिया, मास्क दिया आपको, ग्लव्स दिया आपको? मास्क ये दिया सरकार ने, ये मास्क दिया जी, मास्क ये दिया जी सरकार ने जो हम पहन रहे हैं, और इससे बढ़िया कुछ नहीं दिया जी. और एक लाइफ बॉय का जो 10 रुपये वाला साबुन होता है, उसमें से आधा काट के हमारे को दिया है बस जी. आप लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त यहाँ पे जब ड्यूटी कर रहे हैं? कुछ जी, कोई चाय पानी का, खाने का, पानी का कुछ अरेंजमेंट नहीं है जी. आप लोग को सैनिटाइजर्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया गया है जो आप लोग लोगों को लेके जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं दिया जाए अभी तक, तो अभी तो कुछ भी नहीं दिया जी. तो मैडम, जो ये यहाँ पर हो रहा है कोरोना वायरस के बारे में, आपने सुना है? जी सुना. हाँ, ये मरकज में आए हैं बीमारी. तो आप यहाँ रहते हैं, इस सड़क पे रहते हैं? जी, हम लोग यहाँ पर रहते हैं. अच्छा, और जब आपने इसके बारे में सुना है तो आपको कुछ टेंशन आ रही है कि हमारे साथ भी हो सकता है? कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं भी आता है. अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं. अच्छा, तो आप अभी तक कोई टेंशन नहीं? नहीं, कोई टेंशन नहीं है. अच्छा, ये मास्क आपको किसी ने दिया है? आप लेके आए?
कोई दे के दिया, कोई दे के, हाँ कोई दे के दिया, बांट के दिया। आप लोग वहाँ पे आते जाते रहते हो फिर? नहीं अब नहीं जाते हैं, उधर जाते थे ना, उधर से जाती आती है। कल से मना कर दिया, हम लोग को चार पाँच रोज से जी नहीं, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग तो एक महीने से आए हैं, एक महीना हुआ है। तो वो जो जमात हुआ था, जो दुआ हुआ था, वहाँ पे आप लोग नहीं गए? हम लोग नहीं गए, हम लोग एक महीना आए ने, अभी गांव से आए, एक महीना हुआ है। गांव से एक महीना हुआ, ये कांड चालू हो गया। अब कहाँ जाऊँ, गड़ी छकरा सब बंद हो गए बेटा, अब कहाँ जाऊँ। आप लोगों को ये फ्री का जो राशन है वो आप लोग ले पा रहे हैं, राशन वगैरह? कुछ ना बेटा, कुछ नहीं मिल रहे हम लोग को, कुछ भी ना मिल रहे। वे खाना मिल रहे हैं तो सरिया सरिया खाना मिल रहे, कोई का खाना अच्छा रहे, कोई का दब खाना रहे, तो वही खाना खा ले, जो अच्छा खाना रहे खा ले, जो दब रहे तो नहीं खा बेटा। जो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स आ चुके हैं वो सारा चेकअप करने जी, कोई डॉक्टर अभी तक यहाँ आया है आपको देखने या आपसे कोई सवाल पूछने? नहीं जी, नहीं बेटा झूठ नहीं बोलेंगे, कोई नहीं आया ना पूछने के लिए ना कुछ के लिए। आप लोग यहीं पे रहते हो? यहीं पर रहते हैं। आप लोगों को खाना वाना मिल रहा है फ्री करा से? कुछ मिलते हैं, खाना पीना पानी वानी सब मिलते हैं। आप यहाँ गांव से क्यों आए? आए थे कमाने खाने के लिए। अच्छा, लेकिन फिर लॉकडाउन हुआ तो आपको अभी क्या दिक्कत हो गया? आपको वापस जाना चाहते हो या नहीं? नहीं तो खत्म हो जाएगा तब जाएंगे वापस। हम लोगों तो उधर गए हुए करीब 15 महीने दिन हो गया, गए नहीं उधर कभी, जमात पे भी नहीं गए कभी नहीं। तो आपको कोई घबराहट है? नहीं, हम लोग अल्लाह का शुक्र है कोई घबराहट नहीं। हाँ ये तो, हाँ ये नहीं, डर नहीं, नहीं डर लग गया। अल्लाह का शुक्र है सब एकदम सेहतमंद है, कोई तरह का लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह करे कि जल्दी से ये बाबल ख़त्म हो जाए। हम लोग तो रात दिन यही दुआ करते हैं, अभी नमाज पढ़ के यही दुआ करेंगे। With Simrin, Surur and Surur Singh, Bismee, Taskin, for the print.